अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मुराद इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को वेलकम। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक छोटे से टूर पे जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, हम किस जगह पे जा रहे हैं? तो व्यूअर्स, अभी मैं आपको वो जगह के बारे में बताता हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर यहाँ से शोरकोट सिटी यहाँ से दूर है। तो व्यूअर्स, आज हम शोरकोट सिटी के अंदर एक पुराना किला है, मट्टी का किला, उसका हम विजिट करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। तो व्यूअर्स, आज हम इस जगह का विजिट करेंगे और इसकी जो हिस्ट्री, जितनी मुझे पता है व्यूअर्स, इतनी हिस्ट्री के बारे में व्यूअर्स आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मेरे साथ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड वसीम अब्बास भी मेरे साथ शामिल है और आज हम दोनों इकट्ठे इस टूर पे जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, हमारा होंडा सीजी 125 स्पेशल एडिशन बाइक इस वक्त बिल्कुल रेडी है। तो व्यूअर्स, इस बाइक के ऊपर आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। वैसे तो व्यूअर्स, इस जगह पे पहले भी मैं जा चुका हूं और इस जगह का विजिट कर चुका हूं। तो व्यूअर्स, ये जो मट्टी का किला है, ये थोड़ा सा ऊँची जगह पे है और इस जगह पे जाने के लिए जो ट्रैक बना हुआ है वो व्यूअर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। तो व्यूअर्स, उस ट्रैक पे आज हम इस सीजी 125 स्पेशल एडिशन की पावर का भी टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये बाइक किस तरह से उस ट्रैक के ऊपर चढ़ता है और अपनी परफॉर्मेंस किस तरह से दिखाता है। व्यूअर्स, मेरी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जो मेरी इस तरह की जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, इस मज़ेदार व्लॉग को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो वसीम भाई, बाइक आप राइड करेंगे या मैं करूं? मैं करूंगा। व्यूअर्स, तो आप इस वक्त ये मकई की जो खूबसूरत लहलहाती फसलें आप देख रहे हैं, तो मकई इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो व्यूअर्स, थोड़े ही दिनों पहले जो गंदम की कटाई का अमल था वो यहाँ पे शुरू था, तो गंदम की कटाई का अमल इस वक्त मुकम्मल हो चुका है और ये जो आप खाली ज़मीनें देख रहे हैं इसके ऊपर पहले गंदम काश थी। तो गंदम की कटाई का अमल मुकम्मल होने के बाद अब ये ज़मीनें धान की फसल काश्त करने के लिए तैयार की जा रही हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम अब्दुल हकीम फैसलाबाद रोड पर चढ़ चुके हैं और राइट की तरफ टर्न ले चुके हैं और अपना सफ़र जारी रखने से पहले आगे एक पेट्रोल पंप से अपने बाइक में पेट्रोल फिल अप करवाते हैं और फिर अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। तो व्यूअर्स, ये हम पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं, अब बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? 600 का डाल दो। ये अब नई कीमत क्या है इसकी? थोड़ा सा काम हुआ है ना? 271 तो व्यूअर्स देखते हैं कि 600 का कितना पेट्रोल हमें मिलता है। तो 12 रुपये इसमें कमी हुई है, तो अब देखते हैं कि 600 में हमें, तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन 2.2 लीटर हमें पेट्रोल मिला है। ठीक है, चले मुराद भाई, चले।
जी हाँ व्यूअर्स, अब हम सिदनाई बैराज पे पहुंच चुके हैं। तो व्यूअर्स, इसकी पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो ये काफ़ी खूबसूरत हेड है और एक अच्छी विजिटिंग प्लेस है और यहां पे लोग आके सैरो सियात के लिए, घूमने फिरने के लिए इस जगह पे आते हैं और ख़ास तौर पे ईद और इस तरह के जो मौाक़े हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो काफ़ी अच्छी जगह है। तो अगर आपको भी कभी मौका मिले तो आप ज़रूर इस जगह का विज़िट करें घूमने फिरने के लिए और इन्जॉय करने के लिए, ये एक काफ़ी अच्छी जगह है। व्यूअर्स, जिस रोड से हम शोरकोट सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो ये रोड सिदनाई बैराज से आगे औरौती और संदीलियाँ वाली और इसी तरह से आगे रजाना और फैसलाबाद की तरफ जा रहा है। तो व्यूअर्स, औरौती से आगे तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर लेफ़्ट साइड पे एक बाईपास निकल रहा है जिसे पीरमल बाईपास कहते हैं। तो व्यूअर्स, हमने उस तरफ मुड़ जाना है और आगे की तरफ हम जो है दरखाना की तरफ जाएंगे और फिर दरखाना से हम आगे जो शोरकोट कैंट है उस तरफ जाएंगे और फिर वहां से हम शोरकोट सिटी की तरफ जाएंगे। तो व्यूअर्स, इस तरफ से जो फासला है वो 45 किलोमीटर से ज़्यादा हमें पड़ेगा, लेकिन चूँकि हम सैर की नियत से जा रहे हैं तो हम एक नए इलाके को एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। तो जितना भी डिस्टेंस होगा वो हम आपके साथ शेयर करते हुए अपने सफ़र को जारी रखेंगे। तो जी हाँ व्यूअर्स, 12-13 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद इस वक्त हम औरौती पहुंच चुके हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त ये जो आप आबादी देख रहे हैं ये औरौती अड्डा की है। तो व्यूअर्स, इससे मज़ीद आगे 2-3 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद लेफ़्ट साइड पे हम एक रोड जो निकल रहा है उस पर हम टर्न ले लेंगे और दरखाना की तरफ मज़ीद आगे अपना जो सफ़र है उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो जी हाँ व्यूअर्स, ये वो जगह है जहाँ से हम लेफ़्ट की तरफ टर्न ले लेंगे और आगे दरखाना की तरफ हम जाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ से हम अब लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएंगे। तो व्यूअर्स, बेसिकली इस रोड को पीरमल बाईपास कहते हैं और ये जो रोड है ये आगे पीरमल की तरफ जा रहा है। तो व्यूअर्स, ये जो सामने रोड जा रहा है ये अपना पीरमाल की तरफ जा रहा है और हमने जाना है दरखाना की तरफ। तो व्यूअर्स, ये जब आप इधर औरौती की तरफ से आएंगे तो लेफ़्ट साइड पे ये रोड निकल रहा है, तो आपने लेफ़्ट की तरफ हो जाना है और आगे यहाँ से जो है ये सड़क सीधा दरखाना की तरफ जा रही है और इसी रोड के ऊपर आगे आपको मोटरवे भी जो है उसको हम क्रॉस करेंगे। तो जो M3 मोटरवे है व्यूअर्स, वो इसी दरखाना रोड के ऊपर से गुज़र के जा रही है। तो अब हम अपना जो सफ़र है उसको मज़ीद आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो जी हाँ व्यूअर्स, अब हम M3 मोटरवे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और आगे ये जो आपको पुल नज़र आ रहा है ये M3 मोटरवे का पुल है। तो अब हम इस पुल के नीचे से इस मोटरवे को क्रॉस करते हुए आगे दरखाना की तरफ जा रहे हैं। तो ये लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे है। व्यूअर्स, फाइनली हम ये शोरकोट कैंट का जो मेन रोड है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो व्यूअर्स, जो दरखाना सिटी था वो व्यूअर्स हम थोड़ा सा रास्ता भूल गए थे और वो साइड पे हो गया और हम शोरकोट कैंट की तरफ निकल आए। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम जो शोरकोट कैंट का जो मेन रोड है जो शोरकोट सिटी की तरफ जा रहा है व्यूअर्स, उस रोड पर हम आ चुके हैं। तो ये आप इस वक्त ये रोड देख सकते हैं, ये रोड आगे की तरफ शोरकोट सिटी की तरफ जा रहा है और शोरकोट कैंट की तरफ जा रहा है और इसके अलावा रफीकी एयरबेस जो है वो इस साइड पे है। तो व्यूअर्स, हम ये जो सामने आपको ये रोड जो नज़र आ रहा है इसी रोड से हम इस मेन रोड के ऊपर आए हैं। व्यूअर्स, आगे हम जो है अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और जो शोरकोट सिटी है उसकी तरफ हम आगे जाते हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम ये यहाँ पे
ये हमने ये कोक की बोतल ली है, ये अपना इस शॉप से व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इस वक्त शोरकोट कैंट सिटी में मौजूद हैं। तो वसीम भाई सुनाएं कैसे सफ़र गुजर रहा है हमारा। बहुत ही बेहतरीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत ही बेहतरीन सफ़र गुजर रहा है और हम बहुत ही खूब इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, वैसे भी और थोड़ा सा जो रोड था ना रास्ते में वो कहीं कहीं से टूटा हुआ था, ख़राब था, जिसकी वजह से जो हमारा सफ़र है वो मतलब हमें थोड़े से खड्डे वगैरह बर्दाश्त करने पड़े हैं। लेकिन ओवरऑल जैसे ये वसीम भाई आपको बता रहे हैं कि हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा गुजरा है, तो हमें प्यास काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि हमें तकरीबन डेढ़ घंटा हो चुका है, ऐसे ना डेढ़ घंटा तकरीबन हो चुका है बाइक पे सफ़र कर रहे हैं और इस वक्त हमारी जो हालत है वो आपके सामने है, तो प्यास काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो यहाँ से अभी एक भाई हमें, ये शॉप वाले भाई हमें बता रहे थे ना, यहाँ से तकरीबन 17 किलोमीटर आगे शोरकोट सिटी दूर है, तो दिन भी ढलने वाला है, तो शाम से पहले पहले हमारी कोशिश है कि हम जो वो शोरकोट का किला है उस पर हम पहुँच जाएँ, तो फिर हम वहीं पे आपको मिलते हैं। तो फाइनली व्यूअर्स तकरीबन 17 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद अब हम शोरकोट सिटी में एंटर हो चुके हैं और इस वक्त ये आप शोरकोट सिटी का जो मेन चौक है वो आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम जो किले की तरफ जो सड़क जाती है, जो रास्ता जाता है, उसको हम तलाश करते हैं और सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के फिर वहीं पे आपको मिलते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो अब हम ये शोरकोट का जो भीड़ है उस पे हम पहुंच चुके हैं। तो व्यूअर्स जो हमारा सफ़र था वो अब हम मुकम्मल कर चुके हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि जो मौसम था वो अच्छा हो गया, शाम हो गई और जो गर्मी थी उसकी शिद्दत में कमी आ गई। तो इस वक्त हम शोरकोट के भीड़ पे पहुंच चुके हैं। तो ये इसका जो ये ऊपर जाने का जो ये रास्ता है, ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं, तो काफ़ी सीधी चढ़ाई है। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो CG 125 स्पेशल एडिशन है, इसकी पावर को भी हम इस चढ़ाई पे इसको चढ़ा के चेक करेंगे कि ये अपनी किस तरह से परफॉर्मेंस दिखाता है। ये आप इस वक्त देख सकते हैं, हम बिल्कुल जो शोरकोट भीड़ का जो टॉप है उस पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं। तो इसका जो नज़ारा है व्यूअर्स वो अभी मैं आपको करवाता हूँ और इसके अलावा जो इसकी हिस्ट्री है जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है व्यूअर्स उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको ये मैं शोरकोट सिटी का जो व्यू है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जितनी भी आपको ये जो आबादी नज़र आ रही है ये सारी शोरकोट सिटी की है। तो ये काफ़ी बड़ा शहर है। यहाँ पे हमें एक भाई मिले हैं जो कि इस भीड़ की सारी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो इनसे इसकी जो भीड़ की हिस्ट्री है वो इनसे मालूम करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो ये जो शोरकोट सिटी का ये जो पुराना भीड़ है इसकी हमें जो हिस्ट्री है उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दें हमारे व्यूअर्स को। जी भाई, मेरा नाम इमरान राठौर है और मैं शोरकोट सिटी का रिहायशी हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक मिट्टी का बहुत बड़ा टीला है जिसे भीड़ कहा जाता है। जी जी। और ये इसकी हिस्ट्री जो है ये कबल मसीह से हमें बताई जा रही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की इसकी तारीख है इस जगह की। अच्छा। और पिछले दिनों यहाँ पर आपने देखे हैं ये बहुत बड़े बड़े खंडरात हैं, इधर बहुत बड़ी बड़ी वो गारें बनी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। अरसा दराज पहले, आज से 30-35 साल पीछे जाएं तो ये काफी एरिया पर फैली हुई थी। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता खुदाई करके गवर्नमेंट ने ये आसार कदीमा का जो हमारा महकमा है उनकी लागर्जी की वजह से ये इस वक्त ना लोग काबजीन इसके ऊपर कब्जा करते जा रहे हैं साइडों से गिरा गिरा के। अच्छा, और मतलब इधर अपने घर वगैरह और इमारतें वगैरह बनाते जी जा जी रहे हैं। ये चारों साइडों पे आप जाए विजिट करेंगे ना। अच्छा, तो चारों साइडों पे भिड़ के इस वक्त कब्जा माफिया ने कब्जा किए हुए हैं। किसी ने 5 मरले का, किसी ने 10 मरले का, किसी ने 1 कनाल का प्लाट बना के उन्होंने अपने घर विलास बना के बैठे हुए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है।
पिछले दिनों यहाँ पर अमेरिकन इदारा जो है आसार कदीमा की तलाश में जो निकलते हैं साइंटिस्ट जो थे वो इधर आए थे, इधर इन्होंने करीब में यहाँ खुदाइयाँ की, मशीनरी लगाई गई। अच्छा। और यहाँ पे उन्होंने फिर आके सारा हमें फाइनल बताया। इधर इसकी बाकायदा अमेरिका के अंदर जो उनका आसार कदीमा का उधर सेंटर बना हुआ है वहाँ पे शोरकोट के नवादरात को ले जाके रखा गया है। अच्छा। जो यहाँ पे पुरानी अकवाम जो बस्ती थी यहाँ पर, और इधर अभी भी जब बारिश आती है तूफानी बारिश जब तेज़ हो तो जो लोग ऊपर फिर रहे होते हैं या आते हैं, हम लोग शहर के काफ़ी लोगों को यहाँ से हमें सिक्के मिलते हैं, कभी सोने का सिक्का, चांदी का, कभी कोई और कीमती नवादरात। इधर बहुत चीज़ें ना नवादरात मिलती हैं जो इधर शोरकोट के अंदर हमारे एक एडी जमील भट्टी साहब थे जी जी। उनके पास भी इसका ना अजायब खाना अजायब घर भी बना के उन्होंने शोरकोट में रखा हुआ है जी जी जी। बहुत शुक्रिया जी भाई, कोई मसला नहीं है, आप हमारे शहर में, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो अब हम वापसी का सफ़र अपना जो है वो शुरू करते हैं और वहीं घर पे जाके आपको मिलते हैं। फाइनली व्यूअर्स, अब हम अपने घर पहुंच चुके हैं और जो हमारा आज का सफ़र रहा वो व्यूअर्स आपके सामने था, तो हमने तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। तो वसीम भाई से मैं पूछता हूँ। हाँ जी वसीम भाई, कैसा रहा आज का हमारा सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा टूर रहा है। आज का हमारा ये वी लॉग आपको कैसा लगा तो आपने ये चीज़ हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करना है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।